हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है वो लेके आने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, लक्की ब्लॉग के चैनल पर आपके लिए एक नया वीडियो जो है वो मैं आज फिर से लेकर आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो सिंगरौली को उठाने के बारे में या सिंगरौली को हटाने के बारे में चर्चाएं जो है वो की जा रही थी, तो जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया था। तो आप हाल फिलहाल में जो एक जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें कि जिसमें सेक्शन 9 जो है वो NCL को हटाने के बारे में लग चुका था, तो आज उसी के बारे में मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो जल्दी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि कुछ डिटेल मैंने जो है यहां पर लिख के रखी हुई है और NCL के बारे में कि NCL ऐसी कौन कौन सी सिंगरौली में जगह जो है वो हटाने की बात कर रहा था। तो आज उसका जो है नई दिल्ली कोल मंत्रालय से जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी 9 फरवरी 2024 को ये सूचना जो है वो जारी की गई थी, जिसमें का 580 ए केंद्रीय सरकार कोल धारक क्षेत्र के अंतर्गत अधिनियम जो है 1957-20 के पश्चात अधिनियम कहा गया था ये चीज़ को। और इसके बारे में जो है कोयला सरकार कोल मंत्रालय ने सिंगरौली के कौन कौन से क्षेत्रों को उठाने का जो है निर्णय लिया है और जो राजपत्र जारी किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि सिंगरौली में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको उठाने की जो है वो बात की गई है और राजपत्र जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले गाइस आता है मढ़ौली। मढ़ौली में गाइस इसमें 5.68 हेक्टेयर। दूसरे पे आता है गाइस पंजरे, जिसमें 296.05 हेक्टेयर। और तीसरे पे आता है गाइस चटका, जिसमें 113.36 हेक्टेयर। और जिंगुर्दा चौथे में, जिसमें 4.00 हेक्टेयर। टोटल इसका जो जोड़ होता है इसमें गाइस 419.90 हेक्टेयर या 1035 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की तैयारी जो शुरू कर दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस इसमें कि ग्राम का नाम और इसमें पटवारी सक्रियत और तहसील जिला कौन कौन सा आता है। तो इसमें गाइस एक है मढ़ौली, जिसमें 00004 सिंगरौली नगर और जिला सिंगरौली। उसके बाद आता है गाइस इसमें पंजरे, पंजरे में 00005 सिंगरौली, तहसील और जिला भी सिंगरौली। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गाइस इसमें चटका, जिसमें 00005 और इसमें सिंगरौली जिला और सिंगरौली नगर जो आता है इसमें। उसके बाद चौथे नंबर पे गाइस आता है इसमें जिंगुर्दा, जिंगुर्दा में भी 00005 और तहसील जो है सिंगरौली नगर और जिला सिंगरौली। इसमें टोटल जो गाइस इसका पटवारी सक्रिय संख्या आती है इसमें टोटल जो है वो 234.66 प्लस 419.09 बराबर 653.65 हेक्टेयर जमीन जो है, अथवा मान के चलिए आप इसमें कि 579.685 प्लस 1035.657 बराबर 15.145 एकड़ ज़मीन जो है इसमें वो रिक्वायर कर ली गई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे भी इसमें मुआवजे वगैरह का कुछ भी ऐसा आएगा तो उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।